सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा R15S स्टैंडर्ड मॉडल BS6 2024 के न्यू अपडेटेड प्राइस के बारे में। अगर आप इस बाइक को ख़रीदने की सोच रहे होगे तो आपको कितने की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी, आपकी हर महीने की किस्त कितनी देनी होगी। तो आज के डेट में इसका एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 1,65,700 रुपये। इसमें आपको RTO का चार्ज देना पड़ेगा 18,270 रुपये का। इसमें आपको इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा 13,403 रुपये का। इसमें आपको अदर चार्ज देना पड़ेगा 1,100 रुपये तक का। इसमें कुल ऑन रोड प्राइस निकल के आएगा 1,98,273 रुपये। अगर आप इसे फाइनेंस पे लेने की सोच रहे हो तो कम से कम में आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 45,700 रुपये का, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा 1,52,273 रुपये। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 2 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 7,893 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 2,35,132 रुपये। 3 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 5,771 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 2,53,456 रुपये। अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा करके करते हो 60,400 रुपये का, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा 1,37,073 रुपये। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 2 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 7,082 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 2,30,368 रुपये। 3 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 5,178 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 2,46,808 रुपये। इंडिया के कुछ राज्यों की ऑन रोड प्राइस, मध्य प्रदेश में पड़ेगा 2,519 रुपये, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा 1,95,818 रुपये, ओडिशा में पड़ेगा 1,94,910 रुपये, झारखंड में पड़ेगा 1,94,800 रुपये, आसाम में पड़ेगा 1,94,500 रुपये, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा 2,03,861 रुपये, बिहार में पड़ेगा 2,702 रुपये, गुजरात में पड़ेगा 2,05,395 रुपये, न्यू दिल्ली में पड़ेगा 2,01,373 रुपये और महाराष्ट्र में पड़ेगा 2,03,104 रुपये। इंडिया के सभी राज्यों में 2,000 से लेकर के 3,000 का ही अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने किसी सिटी एवं राज्यों की जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।